क्या आप जानते हैं नोटबुक पर हमेशा साइड पर ये मार्जिन क्यों होता है? या फिर क्या आपने कभी नोट किया कि पेप्सी और कोक की बोतल के नीचे ये बम्प्स बने होते हैं, जबकि पानी की बोतल नीचे से प्लेन क्यों होती है? और क्या आपने कभी गौर किया कॉइन यानी कि सिक्कों के ऊपर बाहर वाली साइड पर हमेशा ये धारियां क्यों बनी होती हैं? आज के वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉमन फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर वन, आप एस्ट्रोनॉट के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उन्होंने जो स्पेस सूट पहना होता है वो इतना मोटा क्यों होता है? तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। इनका स्पेस सूट मोटा इसलिए होता है क्योंकि इनके स्पेस सूट में ऑक्सीजन स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और बहुत सारी चीजें बारीकी से रखी जाती हैं और इसीलिए उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। फैक्ट नंबर टू, आपने हमेशा नोटबुक की साइड पर मार्जिन देखा होगा। बचपन से हम सभी की आदत है, अगर हमारी किसी भी नोटबुक में पहले से मार्जिन नहीं तो हम खुद पेंसिल और स्केल से एक मार्जिन जरूर बनाते हैं और उसके बाद इस नोटबुक में कुछ लिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मार्जिन का क्या मकसद होता है? ये मार्जिन कोई पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं था और ना ही ये आपके टीचर्स के रिमार्क्स देने के लिए है। वेल, इन मार्जिन का असल मकसद इतना अनोखा है कि उसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जब चाइना में नोटबुक बनाई जाती थी तो अमूमन उसे चूहे कतर के खाते थे और उसीलिए चाइनीज लोगों ने इन्हीं नोटबुक्स में मार्जिन बनाना शुरू कर दिए ताकि लोग नोटबुक के किनारे से लिखना शुरू ना करें और मार्जिन के साइड से लिखना शुरू करें। और हाँ, अगर चूहा नोटबुक को कतरे भी तो उनके नोट सही सलामत बच सके। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाथ की उंगलियों में से सबसे ज्यादा मजबूत उंगली कौन सी होती है? अगर नहीं जानते तो इस फैक्ट को पूरा देखना और यकीनन आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि आपके हाथ की सबसे ज्यादा मजबूत उंगली वो आपका अंगूठा है। लेकिन असल में ये नहीं, असल में आपके हाथ की छोटी उंगली आपके हाथ में सबसे ज्यादा पावर पैदा करती है। और अगर किसी भी इंसान की वो उंगली बदकिस्मती से कट जाती है तो उस इंसान के हाथ की पावर 50% कम हो जाती है। मतलब ये कि उसके हाथ के किसी भी चीज उठाने या खींचने का जोर आधा रह जाता है। दोस्तों क्या आप ये पहले से जानते थे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर फोर, हम सब तकरीबन रोजाना ही पेप्सी या कोक की बोतल पीते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन आपने कभी नोट किया पेप्सी और कोक की बोतल के नीचे ये बम्प्स बने होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में पानी की बोतल नीचे से प्लेन होती है। दरअसल ये बम्प्स एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। असल में जब कोका कोला या पेप्सी का सिरप इन बोतल में डाला जाता है और फिर उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है तो ये बम्प्स इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और अगर ये प्लेन रखे जाएं तो बोतल का साइड से फटने का खतरा होता है। क्या आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं एक हाथी अपनी सूंड की मदद से बड़ी आसानी से खड़े होकर पानी पी सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी सूंड की मदद से पानी नहीं पी सकता? और अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर वो पानी कैसे पीता है? तो जी हाँ दोस्तों, हाथी का बच्चा पहले तो महीने तक अपने मुंह की मदद से पानी पीता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप को देखते देखते अपनी सूंड की मदद से पानी पीने लगता है। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों आज की टेक्निकल दुनिया में जहां हर मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल्स को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी और डिस्प्ले बड़ा कर रही है, वहीं चाइना की एक कंपनी ज़ेनको ने दुनिया का सबसे छोटा फोन इजाद कर डाला जिसका साइज एक टीवी रिमोट के सेल से भी छोटा है और इस मोबाइल का नाम टीनी टी वन है। दोस्तों ये मोबाइल सिर्फ एक शोपीस नहीं बल्कि इसके अंदर वो तमाम फंक्शंस दिए गए हैं जो कि एक आम मोबाइल में होते हैं। ये मोबाइल फोन इतना छोटा है कि इसका डिस्प्ले सिर्फ हाफ इंच है और इसका वेट 13 ग्राम है। इस फोन में नैनो सिम के साथ 300 कॉन्टैक्ट सेव रखने की महारत भी है। हाँ तो है ना इस फोन का कमाल। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों आपने कभी सोचा हर चीज के टायर का रंग काला क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है। वो वजह ये है कि जो काला रंग होता है वो फ्रिक्शन और हीट को अब्जॉर्व कर लेता है और जब कार स्पीड में चलती है तो उसमें बहुत ज्यादा हीट
और उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी ज्यादा मिकदार में पैदा होती है, क्योंकि जब कार चल रही होती है तो उसके टायर रोड के साथ रगड़ खा रहे होते हैं। इस वजह से कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, इवन हर चीज के टायर का रंग काला होता है, ताकि वो ज्यादा देर तक चल सके और हीट को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर ले। अगर कार या किसी भी चीज के टायर का रंग काले के अलावा कोई और रंग रखा जाता तो वो बहुत जल्द फट सकते थे। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूले। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स में लाजमी शेयर करें। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर कॉइन यूज किए होंगे, 1 रुपए का सिक्का या फिर 5 रुपए का सिक्का। कभी आपने सोचा है इन सिक्कों के बैरूनी हिस्से पर धारियां क्यों होती हैं? ये प्लेन क्यों नहीं होते? अगर आप ये सोचते हैं कि सिक्के बनाने वालों ने क्रिएटिविटी के लिए ऐसा डिजाइन किया है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सिक्का बनाने के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपके इस दौर से पहले का है। पहले पहल जब सिक्के बनाए जाते थे तो वो कीमती धातुओं से बनाए जाते थे, जैसे सोना या फिर चांदी। तो लोग उन सिक्कों के एजिस से यानी साइड से थोड़ा थोड़ा सा सोना या चांदी उतार लेते थे। एक और बात, अगर प्लेन सिक्के हों तो उनके नकली सिक्के बनाना आसान था, तो ये चोरों के लिए काफी आसान काम होता था। इसीलिए सिक्के बनाने वालों ने गवर्नमेंट के हुक्म के तहत सिक्कों के एजिस पर धारियां बनाने लगे। इस तरीके से नकली सिक्के बनाने वाले मुश्किल में पड़ गए। फैक्ट नंबर 9, अगर आप अपनी जिंदगी में खामोश या सैड रहते हो तो ये फैक्ट भी आपके लिए है। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ यानी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा मूव करता है, मतलब अपने घर से बाहर निकलता है, कहीं बाहर सैर के लिए जाता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहता है, बजाय इसके कि जो इंसान अपने कमरे में पूरा दिन गुजार देता है, चाहे मूवी देखकर या चाहे सोकर या चाहे वो अपने पसंदीदा काम ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो दुख में यानी सैड रहेगा। खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान अपने दोस्तों से मिले, अपने घर से बाहर निकले, वॉक करे। यानी दोस्तों, अगर आप में से कोई सैड रहता है तो वो घर से बाहर नहीं निकलता होगा और दोस्तों वगैरह से भी नहीं मिलता होगा। फैक्ट नंबर 10, आज से 200 साल पहले आगे बढ़ने और तेजी से तरक्की करने के अवामिल पर सूझबूझ और तहकीक करने वालों को उस वक्त अंदाजा हो गया कि अदलो इंसाफ के बगैर तरक्की करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वो ये राज जान गए थे, अगर मुआशरे को तबाही से बचाना है तो फिर आपको अदलो इंसाफ का निज़ाम लाना होगा। लिहाजा उन लोगों ने सबसे पहले अपने मुल्कों में अदलो इंसाफ का ऐसा निज़ाम नाफिज किया जिसने अमीर और गरीब के फर्क को मिटाया। जुराइम की शरह में कमी के बायस वहां की जेलें खाली पड़ी हैं। अब अमेरिका और बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इस बात पर गौर किया जाता है कि इन जेलों को होटलों में तब्दील करके उनको कारामत बनाए, और उस जमन में कुछ जेलों पर तजर्बा आजमाया गया जो बहुत मुफीद साबित हुआ। आज हमें यूरोप में ऐसे आलीशान होटल्स मिलेंगे जो पहले जेल हुआ करते थे। कोर्ट हाउस होटल शोरडिच लंदन, फोर सीजन होटल इस्तांबुल तुर्की, लैंगहोमन होटल स्टॉकहोम स्वीडन, ओटावा जेल होटल कनाडा, ये चंद ऐसे होटल्स हैं जो पहले कभी जेल हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि हंसी यानी हंसना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी औरत भी है जो अपनी जिंदगी में 10 साल के बाद हंसना छोड़ गई? लेकिन इस औरत ने ऐसा क्यों किया, वही तो हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कई मरतबा हंसते हैं, यहां तक कि आप एक दिन में 7 से 8 मरतबा हंसते हैं। क्या आप ये जानते थे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस औरत का नाम टेस क्रिश्चियन है। तो जी दोस्तों, इस औरत ने हंसना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि मैं बुढ़ापे में भी जवान लगूं। इस औरत ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो बूढ़ी भी हो जाए तो उसके मुंह पर झुर्रियां ना पड़े, इसलिए उसने 10 साल की उम्र के बाद हंसना छोड़ दिया था। दोस्तों, क्या आप अपने पूरी जिंदगी हंसे बगैर गुजारा कर सकते हैं या नहीं, ये तो नामुमकिन सी बात है। फैक्ट नंबर 12, आज तक आप दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के बारे में तो जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है, लेकिन दोस्तों कभी आपने दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के बारे में सोचा? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो जी दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.2 स्क्वायर माइल्स में पाया जाता है, इतना छोटा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।